ये देखो हमारा डिलीशियस खाना। दोनों हाथ से लपेटेंगे। हाथ पैर पैर सबसे। क्या यार, अगले साल देखे दो दो दिन के गिफ्ट रखना आपको। ठीक है ठीक है। अरे वायरल हो गया हम लोग को बात तो। हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? मैं तो बढ़िया यार। और अब तक आप लोगों ने मेरा वहाँ वाला गांव वाला व्लॉग देखा अभी, बट मैं रांची में हूँ और ये मेरा व्लॉग रांची से हो रहा है। तो यार यहाँ एकदम ना ठंडा ठंडा मौसम कर दिया है। अब ऐसा लग रहा है कि ठंडी आ चुकी है भाई, भयंकर। गांव वाँव में बोलते हैं ना, ठंडा में 10 बार ढुकाई दिलक, वैसा ही लग रहा है। वैसा ही लग रहा है, एकदम ठंडा लगने लगा है सुबह सुबह में। और अभी तो मैं छत में हूँ, सुबह के 7 बज रहे हैं यार। और क्या ही बताऊँ, मौसम देख रहे हो ना आप लोग, कैसा लग रहा है? समझ में आ ही रहा होगा देख के आप लोगों को। बाप से बाप। तो यार किसी ने मुझसे पूछा कि तुम व्लॉग कैसे एडिट करती हो, तो मेरे पास कोई बहुत बड़ा ऐप नहीं है यार, मतलब VN ऐप है। तो मैं VN ऐप से ही एडिट करती हूँ। बहुत ज़्यादा मेरे को एडिटिंग भी नहीं आता है, क्योंकि अभी मैं भी नया नया ही व्लॉगिंग करना स्टार्ट की हूँ, और फिर नहीं आता है मेरे को भी। मैं भी सीख रही हूँ देख देख के कि कैसे करते हैं एडिट। और मेरे से ये भी पूछा गया कि तुम्हारा ब्लॉगिंग गियर क्या है, तो मेरा एंड्रॉयड फ़ोन है, जो कि बहुत महंगा भी नहीं है, सस्ता वाला फ़ोन है। तो फिर बस इसी से चल रहा है यार, कुछ भी मैं इसी से बनाती हूँ वीडियो आप लोगों के लिए। मेरे आई है सुबह सुबह में सुनीता, और ये लीजिए मैडम आपका नाश्ता। तो ये है मेरे किचन गार्डन की एक झलक। ये बहुत अच्छा लगता है मेरे को, ये बड़ा हो गया बहुत जल्दी यार। तो आज मटन बनाने वाली हूँ, जिसको मैं बॉईल करने के लिए हल्दी नमक डाल के कुकर में डाल दी हूँ। और आज मेरे पास आ रहे हैं मेरे कुछ स्पेशल गेस्ट, तो इसलिए बन रहा है यार। रायता बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है धनिया, अदरक और लहसुन, और इसमें मैं दही डाल के ग्राइंड कर दूँगी। वाह, मेरे पास बड़ा जार है, पर मैं बड़ा जार में नहीं डाल के छोटा जार में पीसने की कोशिश कर रही थी, और ये देखो गिरा दी मैं। और ये रहा मला दुनिया भर का मसाला, इलायची विलायची और छोटी इलायची बड़ी इलायची दालचीनी सब कुछ। ओ दे तेज पत्ता, रुको यार डालने भुला जा रही हूँ। मसाला डालने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है। अब पिसा वाला जो भी मैंने पेस्ट बनाया है वो
वो मैं अब डालूंगी इसमें। मसाला को पूरा ब्राउन कर लिया है मैंने, और अब इसमें मैं डालूंगी धनिया और हल्दी। मसाला पक गया है तो अब इसमें मैं मटन ऐड करूंगी। मटन ऐड कर दिया है। थोड़ा देरी ढक के पका रही हूँ। थोड़ा पानी डाल के पकने के लिए छोड़ दिया है। भुंजा गया है। अब मैं डाल रही हूँ टमाटर, पीस के डाल रही हूँ। पूरा अच्छे से ब्राउन हो गया है मटन, और इसमें डालने वाली हूँ मैं मीट मसाला। फिर डालूंगी धनिया पत्ती, फिर बंद कर दूंगी। मटन बन के पूरा रेडी हो गया है। धनिया पत्ती डाल दिया है मैंने, अब इसको बंद कर देती हूँ। तो यार मेरे गेस्ट आ चुके हैं। सरप्राइज गाइस, सरप्राइज। मेरा गला भी आवाज नहीं निकल रहा है, देखो तो। हो गया है। देख रहे ना यार, कॉलेज का प्यार खत्म ही नहीं हो पा रहा है हम लोगों का। अब तो हमारी कितनी बदमाश है। Oh my God, देखो गाइस सरप्राइज है मेरे लिए। Oh my God, इतना सुंदर पेस्ट्री। Oh yeah. ठीक है, कट कट कट। हम लोग अब खाने के लिए बैठ गए हैं। इधर लगा हुआ है अपना खाना पीना। प्लेट में डाल के दिखाती हूँ आप लोगों को कि क्या क्या है हमारे खाने में। वैसे तो पता ही आप लोगों को मटन बना है ये तो। ये देखो हमारा डिलीशियस खाना। तो खाना ही अधूरा है, ये तो मैं बोलना ही भूल जा। देखो मिनी, तुम भी वायरल हो चुकी हो। कोई बात नहीं स्नेहा, अब वायरल अभी सी तो वो आप वायरल हुई है, मोनेटाइज हुई है, पैसा कमाई है। हम लोग शादी में बड़ा बड़ा गिफ्ट दीजिए, बोलो याद हो गया ना। बोल ही नहीं पा रही। हम कह रहे हम दोनों हाथ से लपेटेंगे। हाँ, पैर पैर सबसे। क्या यार, अगले साल देखिए दो दो दिन के गिफ्ट रखना आपको। ठीक है ठीक है। अरे वायरल हो गया हम लोग को बात तो। पोज हरिया कैसे पीते हैं स्नेहा हम लोग को सिखा रही है। एक साथ चार बोदा हरिया के साथ। क्या ये क्या बोलते हैं उसको, चार बोदा चकना। हम लोग तो पोंग पोंगड़ी बोलते हैं। ऐसा वाला पोंगड़ी। हाँ दिखो दिखो। वाह ये, अरे एक ये डबल मीनिंग बातें कर रही है लड़की। अभी हमारे ऑडियंस भी देख रहे हैं। ओ माय गॉड, देखो उसके लिए थोड़ा देखना पड़ेगा। अच्छा वाला उसके लिए अच्छा वाला नहीं मिल रही, नहीं अट रही। कौन सा व्लॉग है ये? फैमिली ही तो है। वी आर स्वेट्स फैमिली। मेरा है। इतना हंसी। अरे तैयार होने वाला बात चल रहा है। इन लोगों का कहना है कि ये लोग मेरे से मेकअप सीखे हैं, लेकिन मेरे को लगता नहीं है। हम लोग काजल भी नहीं लगाते थे। फिर खाकी में भी लिपस्टिक लगाया जाता था एक समय में। इधर इधर कौन सा ग्रुप? गुलाबी गया है। मार मिलेगा। सुनो मैम, लोग तुम लोग को मारेगी ना बेटा, तब पता चलेगा। हम लोग तो कुछ नहीं बोले। नो कमेंट, सेंसर्ड। नहीं नहीं, डरना नहीं। क्यों डरना है, गुलाबी ही तो बोले। ठीक है, हम लोग तो गुलाबी गैंग से फेमस थे भाई।
और बताएंगे कभी आप लोगों को गुलाबी गैंग की स्टोरी। मेरे ब्लॉग को ऐसे ही कंटिन्यू देखते रहिएगा आप लोग, तो पता चल जाएगा गुलाबी गैंग कौन है। कुछ आगे के लिए भी कंटेंट तो खत्म ही नहीं हो रहा है यार, हम लोग का नॉन स्टॉप बात चल रहा है, पूरा कॉलेज का किस्सा कहानी, पूरा खोली किताब पलट रहे इधर उधर, OHNH हॉस्टल सब का बात चल रहा है। और अब बात करते करते थक गए हैं, तो अब खा लेते हैं अपन पेस्ट्रीज। खतरनाक बात यार, ये लड़की गंदी बात करती है, गंदी बात नहीं करते हैं एकदम ढकाकट बैठ के। देखो मिनी आज रह जाओ, क्या बोलते हो? जाना है, रह जाओ यार। मिनी को शुगर रस हो रहा है। हाँ, सोना है तो यहाँ पे भी सो सकती है, हम तो अच्छे से बिछावना इसीलिए ना बनाए थे। मेरी माँ बुला रही है मुझे, जाने दिया जाए। नहीं बुला रही है, एक बार फोन भी नहीं किए। वो जान रही है मैं आया इसलिए फोन लिया। मैं मनीषा जी से बात कर लेती हूँ। फोन भी तो आता है मेरे को। रात में बात करने के लिए छत है यार, अपना पर्सनल बात कर सकते हो। शादी के देखो रात के में तो व्रत में छत में भी जाके बात कर सकते, नहीं कर सकते? नहीं, उसके लिए रूम चाहिए मुझे। क्या उधर वाला दो ठो रूम है मेरे पास, किचन रूम है, बाथरूम। नहीं, हम सो के आराम से। किचन रूम है, बाथरूम है, बाथरूम में स्टूल लगा दूंगी तुम्हारे लिए। क्या बोल रही है बोलो? बाथरूम में स्टूल लगा के बात करने का मजा ही कुछ और है। शायद हॉस्टल में तुम लोग ऐसे किए होगे बाथरूम में। कहाँ से आई हो? सकते कि निकालने अब मत बोला, आप सीधा शादी के बाद फ्री होंगे तब आएंगे। गिरा दे रही है क्या? गिरा रही है क्या? बाय 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 बाय। मैं जब जयपुर गई थी तो मेरे लिए कुछ लेकर आई थी, दिखाती हूँ आप लोगों को। वाह, बहुत ही प्यारा। और क्या है? और ये इयर रिंग, ये भी बहुत सुंदर है। और एक है, वाह यूनिक है, अच्छा लग रहा है, मस्त। थैंक यू सो मच मिनी। तो मिनी और स्नेहा वापस अपने अपने घर चले गए हैं और शाम भी हो गया है काफ़ी। अभी आप लोग देखे ही होंगे व्लॉग में, और ठंड की वजह से मेरा आवाज़ भी थोड़ा गला भी बैठ गया है। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा यार वो लोग से इतने दिन बाद मिल के। कॉलेज वाले मेरे जूनियर्स हैं बट हम लोग फ्रेंड्स जैसे रहते हैं, तो अच्छा लगता है मेरे को भी वो लोग से मिल के। और काफ़ी सारी बातें हुई कॉलेज वाली भी, बहुत सारा मेमोरीज़ हम लोग याद कर करके खूब हंसे, खूब मज़े लिए एक दूसरे के, बहुत मज़ा आया मेरे को। और आगे भी वो लोग मेरे से ऐसे मिलने आते रहेंगे बोले हैं, बहुत ही अच्छा लगा। ओके, और तो मैं क्या ही बताऊँ यार, बाकी सब तो अपने लोगों ने व्लॉग में देख लिया, और तो मैं क्या ही बताऊँ। चलो अब ये वाला व्लॉग को एंड करते हैं यहीं पे, मिलेंगे अगले व्लॉग में। थैंक यू सो मच मेरा व्लॉग देखने के लिए। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं तब तक के लिए। बाय बाय।